हाउ टू चेंज वाटर कलर, पानी का कलर चेंज कैसे करें। गाइस पिछले दो वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप पिक्सआर्ट ऐप की मदद से पानी का कलर चेंज कैसे कर सकते हो अलग अलग तरीके से। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लाइटरूम ऐप की मदद से पानी का कलर चेंज कैसे कर सकते हो। जी हाँ, एंड इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके भाई, हम सबसे पहले अपनी फोटो को ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके गाइस, हम आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पर हमें अपने पानी का कलर चेंज करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, इस फोटो के अंदर रिटचिंग करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं लाइट्स पे एंड कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा प्लस कर देना है 10%। ओके, हाइलाइट्स को कम करेंगे 10 माइनस। ओके, शैडो को प्लस कर लेंगे थोड़ा सा एंड वाइट्स को कम कर लेंगे, ब्लैक को भी हल्का सा कम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कलर वाले टूल्स पे, वाइब्रेंस को प्लस कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड मिक्स पे चलते हैं, कलर मिक्सर, रेड कलर का सेचुरेशन थोड़ा सा डाउन, लुमिनस प्लस, ठीक है। फिर ये ऑरेंज कलर स्किन टोन का कलर होता है, ध्यान देना, सेचुरेशन को डाउन कर लेना आपको थोड़ा सा एंड लुमिनस को प्लस कर लेना है ताकि फेस ब्राइट दिखे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद येलो कलर पे चलते हैं, सेचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे एंड इसके हुई को भी हम डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, अब बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे चलते हैं ब्लू कलर पे, इसके हुई को हम माइनस कर लेंगे थोड़ा सा एंड सेचुरेशन को प्लस कर लेते हैं। इसके बाद ग्रीन कलर का हुई को हम प्लस 100 कर देंगे, सेचुरेशन को भी प्लस 100 कर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ से कर लेंगे सिंपली डन। अब यहाँ तक देखिए फोटो बिफोर एंड आफ्टर, सो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पानी का कलर चेंज करेंगे। तो पानी का कलर चेंज करना बहुत ही आसान है, सिंपली आपको यहाँ से चलना है सिलेक्ट टूल्स पे एंड प्लस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रश वाला ऑप्शन है, इस ब्रश को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको सिंपली फ़ोटो जूम कर लेना है और जो भी पानी का एरिया हो आपको सिंपली इस रेड कलर से उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। एंड यहाँ से गाइस आपको हार्डनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, साइज़ को या फिर हार्डनेस को। ओके, तो चलिए मैं इसे फटाफट से कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। सो बिल्कुल ऐसे आपको बारीकी से आपको वाटर का कलर सिलेक्ट कर देना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली चलना है लाइट्स पे। सबसे पहले एक्सपोजर को हम थोड़ा सा प्लस कर लेंगे हल्का सा। ओके, यहाँ पे गाइस आपको ध्यान देना, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस कर लेंगे, शैडो को भी प्लस कर लेंगे। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट चलना है कलर्स पे एंड देखिए कलर्स पे आने के बाद आपको ब्लू कलर सिलेक्ट कर देना है यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इसके सेचुरेशन को आपको पूरा ज़ीरो कर देना है -100 एंड 3 एंड टेम्परेचर को आपको माइनस कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर पानी का कलर हो चुका है चेंज। सो देखिए बिफोर एंड आफ्टर, सो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो कुछ इस तरीके से आप पानी का कलर चेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको फोटो सेव करना है तो शेयर बटन पर टैप कर देना एंड सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए